हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग वीडियो टेस्टर। दोस्तों, आज हम डॉक्टर फिक्सिट का सुपर लेटेक्स का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका कोड है 302। ये इसकी मार्केट वैल्यू 365 रुपीज़ है, बट ये आपको 350 रुपीज़ में भी मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने 1 kg का डब्बा ख़रीदा है। तो दोस्तों, इस टेस्ट के लिए हमने 2 ईंट का टुकड़ा लिया है और सेम ही ईंट का टुकड़ा है, हमने इसको 2 पीस में डिवाइड कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 kg ब्लैक सीमेंट लिया है। एक्चुअली ये ग्रे होता है, बट वाइट सीमेंट आता है, इसलिए हम इसको ब्लैक सीमेंट बोलते हैं। और मापने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप लिया है और ये प्लास्टिक का डब्बा है। और ये मेरे पास पुराना ब्रश पड़ा हुआ था पेंटिंग वाला, तो वो चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसमें 1 कप ब्लैक सीमेंट ले लेते हैं। तो दोस्तों, इनका जो रेशियो होता है, जैसे कि इनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आप 1 kg या 1 लीटर डॉक्टर फिक्सिट में आपको 1.5 kg सीमेंट का पेस्ट बनाना होता है और आपको इस दीवार पे पेंट करना होता है। तो हमने यहाँ पे 1 कप सीमेंट लिया है, तो हम 1 कप से थोड़ा सा कम डॉक्टर फिक्सिट 302 का लिक्विड लेंगे और दोनों का अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। तो इसको मैं ब्रश की सहायता से अच्छी तरीके से मिला लेता हूँ। और दोस्तों, इसको मैं ब्रश की मदद से पेंट कर रहा हूँ। बहुत ही आसानी के साथ पेंट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें। मेरा मिश्रण थोड़ा सा गीला हो गया है। दोस्तों, ये लगाने के साथ ही बहुत जल्दी सूख जाता है। इसको मैंने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो मुझे पता है कि लगाने के साथ ही ये सूख जाता है। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो ये वीडियो तो मैंने पहले ही बना लिया था, बाद में इस पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक्चुअली ये इस वीडियो मेरी वाइफ बनाती थी, बट एक्चुअली वो अभी गांव में है, इसलिए इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ रहा है, वॉइस ओवर भी मैं ही कर रहा हूँ। इस पे मैंने 1 कोट कर लिया, इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देता हूँ। थोड़ी देर बोले तो 4 से 6 घंटा हम सूखने के लिए रखना है इसको, और मैंने पर 3-4 घंटे ही सूखने के लिए रखा, और 3-4 घंटे में अच्छी तरीके से सूख गया था, मैंने नोटिस किया। तो फिर से मैं इस पर दोबारा से एक लेयर की कोटिंग कर देता हूँ, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इस पर कोट कर रहा हूँ, ताकि कोई भी जगह छूट ना जाए, वरना पानी इसके अंदर चला जाएगा। एक्चुअली हमें इसे टेस्ट करना है, तो अच्छी तरीके से इस पर लगाना पड़ेगा। तो अच्छी तरीके से मैंने इसको चारों तरफ से पेंट कर दिया है। और दोस्तों, मैं इसमें अब नॉर्मल सीमेंट को पानी के साथ एक पेस्ट बनाता हूँ, ताकि दूसरे वाले ईंट पे कर पाए। इन दोनों का कंपेयर भी हो जाएगा और साथ में पता भी चल जाएगा कि लेटेक्स डालना ज़रूरी है या फिर नॉर्मल सीमेंट के साथ ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये लिक्विड में मेरा थोड़ा गीला रह गया, खैर कोई नहीं, इसमें थोड़ा सा और सीमेंट मिला देता हूँ, तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अभी भी गीला है।
पर ये भी बहुत ही आसानी के साथ पेंट हो जा रहा है। डालने के साथ ये पानी को सोख लेता है। ये ईंट बहुत ख़राब है। अब जैसे ही इसको पानी डालते हैं तुरंत ही ईंट पानी को सोख लेता है। इस ईंट को मैंने धोया फिर इसको टुकड़े किए हैं, बट ये पानी बहुत अच्छी तरीके से सोख लेता है, मैंने नोटिस किया। खैर हमारे टेस्ट में इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हम पानी में इस ईंट को वापस डालने वाले हैं। अगर ये पानी सोख लेता तो अच्छी बात है, तो मुझे ईंट भी ऐसी चाहिए था जो कि पानी सोखे। इस पे भी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सीमेंट पेंट कर देता हूँ। कहीं से भी बबल्स या छेद नहीं होना चाहिए वरना पानी अंदर चला जाएगा। टेस्ट करना इसीलिए बहुत ही अच्छी तरीके से पेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये सीमेंट का घोल है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल सीमेंट का पानी के साथ घोल बनाया हुआ है। इस पे भी हम दो लेयर अप्लाई करेंगे। हाँ, थोड़ी देर सूखने के बाद फिर से मैं इस पे एक लेयर अप्लाई करूँगा। तो ये सूख चुका है। और दोस्तों ये इस पे मैंने दो लेयर अप्लाई कर दिया है, मुझे पता भी नहीं चला कब बीच में वीडियो कट हुआ। खैर ये 10-12 घंटे के बाद मैं इसको चेक कर रहा हूँ और आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से चिपक गया है। बहुत ही अच्छा ये बॉन्ड बना लेता है किसी भी चीज़ के साथ और मस्त प्लास्टिक की तरह चिपक जाता है। आप इसको छुटाने में भी ईंट लेकर निकलता है, ये ईंट को छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका हुआ है और ये चिकना है। तो दोस्तों ये लेटेक्स का जब भी आप पेंट जैसा करते हैं, दूसरा लेयर आप कर लेते हैं, तो आपको इस पे सूखा रेत छिड़कना होता है ताकि ये थोड़ा सा खुरदुरा रहे, ताकि बाद में आप इस पे सीमेंट मतलब प्लास्टर वगैरह कर पाए, ताकि प्लास्टर आपको पकड़े इसलिए उससे थोड़ा सा खुरदुरा चीज छिड़कना होता है, रेत वगैरह, ताकि खुरदुरा रहे, तो ताकि आप बाद में आप इस पे प्लास्टर कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दो प्लेट ले लिया है और दोनों प्लेट में हम 100-100 ml पानी डालेंगे और फिर हम उसमें ईंट डाल देंगे और देखेंगे कि पानी को अब सोखता है या नहीं सोखता है। तो हमने दोनों प्लेट में 100-100 ml पानी डाल दिया है और दोनों प्लेट में हम ईंट डाल देंगे। इसका खुला हुआ पार्ट ऊपर रखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये पानी को अब्सॉर्ब करता है, तो जाहिर सी बात है ईंट भी अपना कलर चेंज कर देगा, थोड़ा गीला दिखेगा। इसीलिए मैंने इसका एक साइड पेंट नहीं लगाया और इसको हम बहुत देर तक छोड़ देते हैं। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है और ये आधे घंटे बाद मैंने देखा तो अभी तक दोनों ईंट में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, दोनों वैसे ही हैं और दोनों के प्लेट में अभी भी पानी है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं 45 मिनट बाद और इसमें ये जो आप निशान देख रहे हैं वाटर लेवल का ही निशान है। बाकी दूसरी तरफ दिख रहा था वो टूटा हुआ ईंट है, उसके लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि नमी है, बट एक्चुअली वो आपने जो स्ट्रेट लाइन देखा वही है वाटर लेवल का लाइन। और इसमें लेवल ऊपर नहीं बढ़ा है पानी का। और यहाँ पे मैं दूसरा ईंट देख रहा हूँ, तो दूसरे ईंट में आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल से ऊपर पानी इसने सोख लिया है। खैर पानी सोखने की स्पीड दोनों ही मतलब ये स्पीड बहुत कम है इस ईंट में, और दूसरा वाला तो खैर सोख ही नहीं रहा बिकॉज उसके ऊपर प्लास्टिक का एक मस्त लेयर चढ़ा हुआ है, तो ये तो सोख ही नहीं रहा। तो हम देख लीजिए अच्छी तरीके से ये पानी नहीं सोख रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं पानी का, ये प्लेट में वाटर लेवल का लाइन है, उसलिए उसने अपना निशान बना रखा है वहाँ पे। पर इस वाले ईंट में पानी आप देख सकते हैं उस जो लाइन है उसके ऊपर ये रिस कर ऊपर चढ़े जा रहा है।
तो ये तो पानी को सोख रहा है, बट ये जो डॉक्टर फिक्सेट जिस पे अप्लाई है इट पे, वो बिल्कुल भी पानी को नहीं सोख रहा है। और ये डॉक्टर फिक्सेट को पानी के साथ कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि पानी में जाने के साथ ये पिघलता है या कुछ होता है। ये सूख जाने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से बॉन्ड बना लेता है ईंट के साथ, और प्लास्टिक की तरह चिपक जाता है ईंट के साथ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसी ईंट का एक टुकड़ा बचा हुआ है, उसको मैं 100 ml पानी डाल के दिखाता हूँ कि ईंट कितने तेज़ी के साथ पानी सोखता है। तो ये उन्हीं ईंट का एक टुकड़ा है, तो इसको मैं जैसे ही डालता हूँ, आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर ही ये पानी का लेवल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा इसके। ये पानी को अच्छी तरीके से सोख लेगा, आप देख सकते हैं बीच में ये नमी, आपको पानी दिख रहा होगा, पानी सोखना स्टार्ट कर दिया है इसने। और 10-15 मिनट में ये पूरी तरीके से पानी सोख लेता अच्छी तरीके से। धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा है, और ये गीला हो जाएगा थोड़ी देर में पूरी तरीके से। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर फिक्सिट सही में काम करता है, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। हमारे घर में काम चल रहा था, तो मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था डब्बा, तो उसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि डॉक्टर फिक्सेट काम करते हैं। पर हाँ, इसका जो मिश्रण होता है, आप प्रॉपर उसके वेबसाइट पे जाइए, उस पे बताया गया है कैसे आप यूज़ करें, बिल्कुल वैसा ही फॉलो करिएगा। और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पानी डाल दिया तो ये वेस्ट हो जाएगा आपका डॉक्टर फिक्सेट। ये पूरी तरीके से लिक्विड के साथ ही आपको इसका घोल बनाना है, और मतलब कि डॉक्टर फिक्सेट का लिक्विड डालकर ही घोल बनाना है, उसके अंदर पानी नहीं मिक्स करना है, वरना वेस्ट हो जाएगा आपका डॉक्टर फिक्सेट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का होगा, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं सीलन वगैरह से परेशान होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, नहीं पता है तब तक तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बट आपको अगर पता चल गया है, तो अगर आपके घर में भी सीलन वगैरह है तो आपको सीमेंट हटाना पड़ता है वहाँ का, आपको वहाँ का प्लास्टर हटाना पड़ता है, फिर ईंट को अच्छी तरीके से धोने के बाद ईंट पे पुताई करनी होती है, फिर आपको इसका घोल लगाना होता है 2 लेयर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ गत्ते पे गिर गया था डॉक्टर फिक्सेट का लिक्विड, ये देख सकते हैं कितना लचीला है, और ये वहाँ पे नॉर्मल सीमेंट है, जैसे ही मोड़ते हैं टूट जाता है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट रबर की तरह हो चुका है। आप इसको फोल्ड करिए, टूटता नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं सीमेंट में मिक्स होने के बाद भी ये रबर जैसा वर्क कर रहा है। और दोस्तों ये रबर जैसा नहीं होता, ये गत्ते पे इसलिए रबर जैसा है, ये ज़मीन पे लगने के बाद एकदम सख्त प्लास्टिक की तरह जम जाता है, मतलब सख्त रहता है, रबर की तरह तो नहीं होता ये, कहीं पे भी अगर आप इसको दीवार वगैरह पे लगाते हैं तो जम जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।